2023 की सबसे बड़ी तब्दीली मुतारिफ कराने का ऐलान। फेसबुक की जानिब से इस साल की सबसे बड़ी तब्दीली मुतारिफ कराने का ऐलान किया गया है। लगभग 9 साल पहले फेसबुक मोबाइल ऐप से चैट का ऑप्शन खत्म करके इस मकसद के लिए मैसेंजर के नाम से एक नए ऐप मुतारिफ करवाई गई थी। अब मेटा की जानिब से बाजाब्ता तौर पर मैसेंजर को एक बार फिर फेसबुक मोबाइल ऐप का हिस्सा बनाने का ऐलान किया गया है। फेसबुक ऐप के अंदर मैसेंजर तक रसाई के फीचर की आजमाइश कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको इसका हिस्सा बनाया जाएगा। ख्याल रहे कि फेसबुक दुनिया की पहली सोशल मीडिया ऐप थी जिसमें ऐप के अंदर चैट ऑप्शन को खत्म किया गया था। इस वक्त कंपनी का कहना है कि हमारा मकसद मैसेंजर को बेहतरीन मोबाइल और मैसेजिंग ऐप बनाना है। 9 साल बाद मेटा ने मैसेंजर को एक बार फिर फेसबुक ऐप का हिस्सा बनाने का फैसला क्यों किया? मगर बजाहिर ये तब्दीली टिकटॉक से मुकाबले के लिए की जा रही है। फेसबुक को शेयरिंग और चैट के लिए बेहतरीन मुकाम बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग फेसबुक के अंदर ही मैसेजिंग के जरिए मोर शेयरिंग कर सकें और इन्हें किसी और ऐप को ओपन करने की जरूरत ना हो। टिकटॉक में सार्फिन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ डायरेक्ट मैसेज के जरिए शेयर कर सकते हैं। कंपनी के जानिब से ये नहीं बताया गया कि तमाम सार्फिन के लिए इस तब्दीली को कब तक मुतारिफ करवाया जाएगा। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये सार्फिन के लिए बहुत अहम फीचर है क्योंकि वो चैट और मैसेंजर को फेसबुक ऐप से निकाले बगैर देखकर जवाब दे सकेंगे। इस तरह फोन की स्टोरेज को भी फायदा होगा क्योंकि मैसेंजर ऐप की जरूरत बाकी नहीं रहेगी।